हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनन और स्वागत है आपका क्लास टू प्लस यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग मैथ्स देखेंगे और मैथ्स का परसेंटेज चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट थ्री में आ चुके हैं। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का कंसेप्ट हमारा है कि आज का कंसेप्ट रहेगा अपना इनकम और एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट रहेगा। तो इनकम और रेट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन का कंसेप्ट रहेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो रेट से आप ध्यान रखिए कि रेट से एक्सपेंडिचर का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, रेट से कंजम्पशन का रिलेशन कैसा होता है, एक्सपेंडिचर से कंजम्पशन का रिलेशन कैसा होता है, ये चीज़ें देखेंगे और इसी के ऊपर बेस करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, रेट को रेट मतलब समझते हैं पर यूनिट, यानी जिसको हम लोग हिंदी में दर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मीनिंग होता है, हिंदी में लिखे हैं तो दर, इसका मीनिंग होता है खर्च, और इसका मीनिंग होता है खपत, या फिर बोलेंगे उपभोग। क्या बोलेंगे? खपत या फिर उपभोग, ये चीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, रेट से जो कंजम्पशन का रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कब पॉसिबल है? जब आपके एक्सपेंडिचर सेम रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे यानी खर्च आपका समान हो। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो रेट का रेशियो होगा वो रेट का रेशियो कंजम्पशन का, यदि आर वन इज टू आर टू, यदि ये एम इज टू एन है तो सी वन इज टू सी टू कितना हो जाएगा? ये ठीक उल्टा हो जाएगा, एन इज टू एम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखें तो मान लीजिए कि पहली एक वस्तु है जिसका रेट है, पहली वस्तु का रेट है रुपीज थ्री पर पीस। दूसरी वस्तु है उसका रेट है रुपीज टू पर पीस। हम बोल रहे हैं प्रत्येक टाइप की वस्तु के लिए हम रुपीज सिक्स मेरा एक्सपेंडिचर है। तो पहले टाइप का जो कंजम्पशन होगा वो कितना होगा? टू पीस मिलेगा मुझे। और दूसरे टाइप का जो कंजम्पशन होगा वो कितना मिलेगा? थ्री पीस मुझे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से रेट का जो रेशियो है, यहाँ से आप देखिए रेट ऑफ ए इज टू रेट ऑफ बी, यदि हम देखें रेट ऑफ बी देखें तो थ्री इज टू टू निकला। लेकिन कंजम्पशन ऑफ ए इज टू कंजम्पशन ऑफ बी देखें तो ये कितना निकलेगा? टू इज टू थ्री निकलेगा। तो ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक और तरीका है, एक और चीज़ बता दें। यदि मान लीजिए आर वन इज टू आर टू इज टू आर थ्री ये दिया रहता, टू इज टू थ्री इज टू फाइव दिया रहता, टू इज टू थ्री इज टू फाइव इस तरह से दिया रहता, तो सी वन इज टू सी टू इज टू सी थ्री, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता? तो देखिए, यदि आर वन सी वन कैलकुलेट करना है तो आर वन को छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई कीजिए तो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन हो गया। यदि आर टू कैलकुलेट करना है तो सी टू कैलकुलेट करना है, आर टू को छोड़ दीजिए बाकी मल्टीप्लाई कर दिए टू इंटू फाइव टेन हो गया। और यदि आर थ्री कैलकुलेट करना है, इसको बंद करके टू इंटू थ्री कर दीजिए सिक्स हो गया, तो फिफ्टीन इंस टू टेन इंस टू सिक्स का रेशियो हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसी तरह से देखिए कंजम्पशन के बारे में हम लोग बात करें। अब एक्सपेंस से कंजम्पशन का क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब रेट सेम हो। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ जब रेट सेम हो जाए, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी जब खर्चे बढ़ाएंगे तो आपके उपभोग यानी खपत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे। तो एक्सपेंस और कंजम्पशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ, यदि ई वन इज टू ई टू यदि इक्वल टू सी वन इज टू सी टू होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इक्वल टू एम इज टू एन, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, यदि मान लीजिए कि मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ पहले के लिए एक टाइप की वस्तु है जिसके लिए एक्सपेंस कर रहा हूँ मैं रुपीज थर्टी। दूसरे टाइप की वस्तु है जिसके लिए मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ रुपीज सिक्सटी। अब बोल रहा हूँ कि इन दोनों का जो रेट है, ठीक है, इन दोनों का जो रेट है वो है रुपीज टेन पर पीस। तो देखिए, तीस रुपया एक्सपेंस किया तो पहले टाइप का जो कंजम्पशन होगा वो पहले टाइप का वस्तु जो मिलेगा मुझे कितना मिलेगा? थ्री पीस मिलेगा। दूसरे टाइप का जो वस्तु मिलेगा वो कितना मिलेगा? दूसरे टाइप की वस्तु मुझे छः पीस मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे यदि रेशियो देखें तो यहाँ पे वन इज टू टू हो रहा है, तो यहाँ भी देखिए वन इज टू टू का ही रेशियो बन रहा है, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए ऐसा लिखा गया थ्री टाइम्स ऑफ पहले रेट ए रेट ऑफ ए टू इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ रेट ऑफ बी इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ रेट ऑफ सी,
अब आपसे पूछा गया सी वन कंजम्पशन ऑफ ए इज टू कंजम्पशन ऑफ बी इज टू कंजम्पशन ऑफ सी, तो आप क्या लिखेंगे? तो देखिए इसका रेशियो यही होगा, इसका रेशियो क्या होगा आप सिंपल सी भाषा में समझें तो इसका रेशियो कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं, कितना ये जो वैल्यू है कितना है 3, दूसरा वैल्यू कितना है 2 और तीसरा वैल्यू कितना है 5, तो ये जो कोफिशिएंट है यही इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज के सेशन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ द रेट ऑफ वेजिटेबल इंक्रीजेज बाय 15% देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अर्लियर कंजम्पशन एंड न्यू कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल टू रिटेन द सेम एक्सपेंडिचर। क्या बोला गया, यदि सब्जियों की दर में 15% की वृद्धि हो तो उसी खर्च को बनाए रखने के लिए पहले की खपत और नई खपत का अनुपात क्या होगा? तो यदि हम लोग पहला ऐसा समझें कि रेट R1:R2 यदि मैं समझूं, पहला रेट यदि मैं 100 ले लूं तो दूसरा तो आपका 115 हो जाएगा, तो आप लोग यदि ऐसा लिख दें 100:115, ठीक है, तो यहाँ 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 5 से हो गया 23। अब आपका कहानी खत्म। C1:C2 क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हम लोग यही पढ़ेंगे, रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो कितना हो गया 23:20, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया इफ 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ पपाया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ ऑरेंजेस एंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ एप्पल देन व्हाट इज द रेशियो इन देन इन व्हाट रेशियो अमन कैन बाय दीज फ्रूट्स इफ स्पेंड इक्वल अमाउंट टू परचेज ईच टाइप ऑफ फ्रूट। बोला गया यदि पपीते की दर का अनुपात दर का 3 गुना संतरे की दर का 4 गुना के बराबर है और सेब की दर के 2 गुना के बराबर हो तो अमन इन फलों को किस अनुपात में खरीद सकता है यदि वह प्रत्येक प्रकार के फल खरीदने के लिए समान राशि खर्च करता है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए बहुत ही आसान है। बोला गया है कि 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ पपाया इज इक्वल टू रेट ऑफ एप्पल। ये 3 चीज़ें बोली गई हैं। अब आपसे बोला गया कंजम्पशन ऑफ पपाया इज टू कंजम्पशन ऑफ ऑरेंज इज टू कंजम्पशन ऑफ एप्पल, बताइए। तो क्या लिखेंगे, देखिए इसका कोफिशिएंट लिख देंगे तो कोफिशिएंट कितना है 3, 4 एंड 2, तो यही आपका आंसर हो गया 3:4:2, ये आपका आंसर हो गया। तो जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जानिए कि इसके रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होता है, और अभी मैंने आपको बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन हो तो क्या करना है। ठीक है, तो बस ये वैल्यू लिख देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया व्हेन द रेट ऑफ ऑनियन इंक्रीजेज बाय 25% देन बाय हाउ मच परसेंट इट्स कंजम्पशन मस्ट बी डिक्रीजेज टू हैव द सेम एक्सपेंसेस। बोला गया जब प्याज की दर 25% बढ़ जाए तो उसी खर्च को बनाए रखने के लिए इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। देखिए जनरली होता क्या है, जब भी हम लोग घरों में किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। जैसे कुछ 1-2 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा टोमेटो का रेट बढ़ गया था तो लोगों ने क्या किया था, सभी होटलों से टोमेटो गायब हो गए थे। ठीक है, अब लोग टोमेटो खाना छोड़ दिए थे, तो एकदम कंजम्पशन कम हो गया क्योंकि एप्पल और टोमेटो सेम रेट में बिक रहा था। ठीक है, तो लोग एप्पल खाएंगे कि टोमेटो खाएंगे, तो लोगों ने ज़्यादा समझा कि एप्पल ही खा लेते हैं, टोमेटो खाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ भी। देखिए तो बोला गया रेट ऑफ ऑनियन इंक्रीजेड बाई 25% ऑनियन का रेट इंक्रीज कर दिया गया तो कंजम्पशन में कितना कमी होगा। तो पहले तो हम लोग निकालें कि पहला रेट कितना था, तो पहला रेट यदि ऑनियन का दूसरा रेट का रेशियो निकालें तो ये कितना होगा 25% है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ये कितना 100 होगा, तो 125 हो जाएगा दूसरा। तो यदि आप इसको कैंसिल कर लेंगे 25 से तो ये 4 और ये 5, तो C4 और 5 रेशियो बना रेट का, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा C1:C2 करेंगे तो उल्टा कर दीजिए 5:4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले कंजम्पशन, पहले आप कितना खरीद रहे थे, पहले आप खरीद रहे थे 5 यूनिट, अभी कितना खरीद रहे हैं 4 यूनिट, तो कितने का कमी हुआ, 1 यूनिट का कमी हो गया ना। तो आप कंजम्पशन में डिक्रीज इन कंजम्पशन कितना लिखेंगे, डिक्रीज परसेंटेज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो आप यही बोल सकते हैं PTION होगा कंजम्पशन, कितना लिख सकते हैं 1/5 × 100। और 1/5 × 100 कहने का मीनिंग कितना होता है आप समझते हैं, इसको भली बात ही ये हो जाता है आपका 20%, तो आपका 20% कमी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर बोला गया व्हेन द रेट ऑफ एप्पल इंक्रीजेज बाय 30% रोहन बाय 3 एप्पल लेस एट रुपीज 120 व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ एप्पल पर पीस। तो एप्पल का पर पीस रेट कितना है, बोला गया व्हेन द रेट ऑफ एप्पल इंक्रीजेज बाय 30%। तो देखिए अब एप्पल का रेट 30% बढ़ गया तो रोहन कितना, रोहन बाय 3 एप्पल लेस, कितना एप्पल लेस है, 3 एप्पल लेस है, ये ध्यान रखिएगा 3 एप्पल लेस है, कितने रुपए में 120। तो ये 120 क्या है, 120 उसका एक्सपेंस हो गया, यानी वो एक पहले भी 120 रुपया खर्च कर रहा था, अभी भी 120 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है। तो यदि मैं बोलूं कि यदि 120 रुपया खर्च कर रहा था और उसको ये जो 3 एप्पल वो कम खरीद पा रहा है पहले की तुलना में, तो ये 3 एप्पल को खरीदना हो उसे तो 30% ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा क्योंकि रेट तो बढ़ गया है। तो हम लोग यदि बोल डायरेक्टली बोल सकते हैं 3 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 3 एप्पल कॉस्ट तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 120 का 30%, तो 120 का 30% कितना हो गया, डायरेक्ट लिख लीजिए 36। तो 1 एप्पल का कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो 1 एप्पल का कॉस्ट आ जाएगा 36/3 यानी ₹12 पर पीस, ठीक है। तो अभी का जो न्यू रेट है वो ₹12 पर पीस है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, दूसरा तरीका भी हम लोग कर सकते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, दूसरे तरीका से सब चीज निकल सकता है कि वो पहले कितना एप्पल खरीद रहा था 120 रुपये का, अभी कितना एप्पल खरीद पा रहा है, सब चीज पता चल जाएगा। तो देखिए अब हम लोग थ्योरी में आते हैं, तो रेट का रेशियो दिन हम लोग लिखे R1:R2, तो ये कितना हो जाएगा 100:130 हो जाएगा, तो ये 0:0 कैंसिल हो गया, तो 10:13 हो गया। C1:C2 कितना हो गया, तो ये आप बोल सकते हैं इसको उल्टा कर दीजिए, 13:10 हो गया, 13:10। अब यहाँ से रेशियो में देखिए कितने का डिफरेंस हुआ, 3 यूनिट। तो इस 3 यूनिट का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 एप्पल जो कम खरीदा है वही 3 एप्पल है, तो 3 एप्पल यानी 3 एप्पल, 3 यूनिट की वैल्यू 3 एप्पल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 एप्पल हो गई। तो हमें अभी का कंजम्पशन पूछा है तो हम लोग C1 निकालें, C1 निकालेंगे तो कितना होगा 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 एप्पल। तो हम लोग बता सकते हैं कि अभी वो 120 रुपये का कितना एप्पल खरीद रहा है, 10 एप्पल, तो रेट कितना होगा, रेट पर पीस, रेट पर पीस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेट पर पीस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 10, तो 120 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या होगा, 12 पर पीस हो जाएगा, तो ₹12 पर पीस मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि पहले का कंजम्पशन, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 1 एप्पल निकल गया, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 13 एप्पल होता, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बोला क्या है व्हेन द रेट ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20%, व्हेन द रेट ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 20% निधि इंक्रीजेज द एक्सपेंसेस ऑन इट बाय 10%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स कंजम्पशन। बोला गया जब चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, निधि अपना खर्च 10% बढ़ाती है, तो इसके उपभोग में प्रतिशत कमी क्या है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए कई सारी फैमिली तो ऐसा भी होती है कि शुगर का प्राइस बढ़ गया तो 20% बढ़ा, तो 20% खर्च नहीं बढ़ाया, उसके खर्च में 10% बढ़ाया। तो अब यहाँ पे दोनों थ्योरी हमारे लागू होगा, तो पहले तो हम लोग ऐसा सोचें कि R1:R2 कितना लिखेंगे, तो R1:R2 आप लिखेंगे 100:120। देखिए पहला रेट हमेशा 100 लेना है, तो दूसरा कितना हो गया 120। C1:C2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 120:100, कितना हो जाएगा 100, 120:100। अब देखिए हमने क्या बताया था, यदि आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस यदि इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, ये यदि बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, यही तो बताया था। तो अभी देखिए अभी का कंजम्पशन कितना, यदि आपका रेट्स एक्सपेंस सेम रहता है तो पहले 120 था तो अभी 100 होगा, ये तो सिचुएशन है व्हेन एक्सपेंस सेम। बट ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखो निधि ने क्या किया, 10% बढ़ा दिया, तो 10% यदि एक्सपेंस बढ़ा दिया तो कंजम्पशन भी 10% बढ़ जाएगा, तो ये कंजम्पशन कितना हो जाएगा 110 और ये कितना हो जाएगा 120 रहेगा पहले वाला, तो रेशियो कितना हो गया 12:11। अब बोला गया कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो यहाँ से कितना कम हुआ, 1 कम हो गया, तो हम लोग परसेंटेज लेस कितना लिखेंगे, लेस परसेंटेज, तो 1/12 × 100, तो 1/12 × 100 कितना होता है 8.33% होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हेन द रेट ऑफ वेट इंक्रीजेज बाय 30% रोशनी अनेबल टू बाय 0.5 केजी लेस वेट एट द सेम एक्सपेंस।
What was her original consumption? When the rate of weight increases by, जब गेहूं की दर 30% बढ़ जाती है तो रोशनी 0.5 किलोग्राम कम गेहूं खरीदती है, तो उसका मूल उपभोग क्या था? यानी पहले वो कितना गेहूं खरीद पाती थी ये बताना है। सेम क्वेश्चन है तो R1:R2 आप लिख लीजिए। तो R1:R2 कितना लिख लेंगे आप? तो यहाँ पे लिखेंगे तो आप 100:100 कितना लिखेंगे? 30, 130। तो रेशियो कितना होगा? 10:13। C1:C2 कितना हो जाएगा? C1:C2 आपका हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए तो 13:13 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से डिफरेंस कितने का हुआ? 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट का वैल्यू आप कितना लिख देंगे? 3 यूनिट का वैल्यू लिख देंगे आप 0.5 kg। ठीक है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 0.5 kg हो गया। तो पहले का कंजम्पशन कितना था? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 यूनिट का वैल्यू 0.5 × 13/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर दीजिए 6, तो 13/6 कितना हो गया? 2 whole 1/6 kg। ठीक है, तो ये पहले का कंजम्पशन था। देख लीजिए यहाँ पे फिर से R1:R2 निकाला, कितना हो गया? 100, 130 हो गया। कंजम्पशन कितना हो गया? 13 और 10 हो गया। डिफरेंस कर दिया तो 3 यूनिट का वैल्यू है, इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 0.5 kg। अब 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? तो 13/5 = 65, 65 बाई ये पॉइंट हटा देंगे तो 30, 65/30 कर देंगे तो 2 whole 1/6 kg आ जाएगा। ओके, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी देख लीजिए, ये तो थ्योरेटिकल तरीका हमने बताया, दूसरा तरीका हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। तो दूसरा तरीका क्या होगा ये इसको देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी एक्सपेंस निकाले थे उस एक्सपेंस वाले तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला गया कितना परसेंट ज़्यादा, तो यहाँ बोला गया कि 30% इंक्रीज हो गया। यहाँ पे कम कितना है? 0.5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30% की वैल्यू कितनी है? 30% की वैल्यू है 0.5 kg। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होता है। इसका मतलब पहला जो कंजम्पशन होगा वो 130% होगा, तो यहाँ पे 130% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 130% की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 × 130/30, इतना kg हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 6 = 30 हो गया, यानी 2 whole 1/6 kg। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द रेट ऑफ मैंगो डिक्रीजेज बाय 12.5%, कविता एबल टू बाय 4 pieces मोर मैंगोज एट द सेम एक्सपेंडिचर। देखिए 4 पीस ज्यादा खरीद पाती है, व्हाट इज द रेट ऑफ मैंगो पर पीस? बोला गया जब आम की दर में 12.5% की कमी आती है तो कविता उसी खर्च पे, समान खर्च पे 4 आम अधिक खरीदने में सक्षम हुई, तो प्रति आम की दर क्या है? तो देखिए यहाँ से रेट का रेशियो निकालें R1:R2, तो आप क्या लिख सकते हैं? रेट का रेशियो यदि आप लिखें R1:R2, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये 100 होगा तो ये होगा 112.5, 112.5, इस पॉइंट को हटा देंगे तो 0 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटा देंगे, 25 से कैंसिल कर लीजिए तो 25 से कितना हो गया? 25 हो गया आपका 25 चौका 100 40, और 25 हो गया 25 चौका 100 12, बचा 25 25 125, फिर कैंसिल कर दीजिए 5 से तो 8 हो गया और ये 9 हो गया। रेट का रेशियो पता चल गया। ठीक है, यदि आप कंजम्पशन का रेशियो पता करना चाहते हैं C1:C2, तो ये भी कर सकते थे, कितना हो जाता है? 9:8 हो जाता। यहाँ तक तो ठीक था, सॉरी यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, ये आपका 12.5% कम हो गया है तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 87.5 हो जाता। तो 875 करते तो 25 से कैंसिल करते तो 25 से 75, और ये बच जाता 25 पचे 125, तो 40 और 35 होता, और फिर 5 से काट देते तो ये 8 और 7 हो जाता, 8 और 7 हो जाता। तो ये रेशियो कितना बन गया था? 7:8। ये कितना बन गया था? 7:8। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था, 7:8, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अब देखिए 7:8 हुआ, अब यहाँ से 7:8 हुआ तो इसके बीच में आप देखें डिफरेंस देखेंगे तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट का डिफरेंस है तो प्लस 1 यूनिट का डिफरेंस हुआ, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू यदि आप लिखते हैं तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपका 4 पीस। तो आप यदि पहले का कंजम्पशन जानना चाहें तो 7 यूनिट हुआ तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 पीस, यानी पहले वो 28 पीस खरीद पाती थी,
ये सी वन हुआ। सी टू कितना हो जाएगा? सी टू हो जाएगा आपका 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 × 4 32 पीस। तो देखिए यहाँ से हमें किसी तरह से देखें तो हमें ये तो पता चल गया कि पहले कितना वो खपत करती थी, पहले आम कितना खरीदती थी, अभी आम कितना खरीदती है, बट कहीं से आपको दर नहीं पता चल रहा है, यानी रेट पर पीस नहीं पता चल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन एक ही है कि यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ है, नो एक्सपेंस गिवेन, किसी तरह का एक्सपेंस गिवेन नहीं है, ठीक है, और नो रेट गिवेन, किसी तरह का रेट गिवेन नहीं है। तो यदि दोनों में से कुछ भी एक रहता, दोनों में से कुछ भी एक रहता तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। दोनों में से कुछ भी ही नहीं है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप? इसका आंसर बताएंगे सी एन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि डिटरमाइन होगा कि नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड निकल के आएगा। ये सब चीजें मैं बता रहा था आपको समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए। ओके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द रेट ऑफ पपाया इज 25% लेस देन द रेट ऑफ मैंगो एंड द रेट ऑफ मैंगो इज 20% लेस देन द रेट ऑफ एप्पल, देन बाय हाउ मच परसेंट इज द कंजम्पशन ऑफ मैंगो लेस और मोर देन द कंजम्पशन ऑफ पपाया। बोला गया पपीता की दर आम की दर से 25% कम है और आम की दर सेब की दर से 20% कम है, तो फिर पपीते की खपत की तुलना में आम की खपत कितना प्रतिशत कम या अधिक है? तो पहले हम लोग रेट निकाल देते हैं। रेट ऑफ पपाया इज टू रेट ऑफ मैंगो इज टू रेट ऑफ हम लोग लिख देते हैं एप्पल। अब देखिए उल्टा शुरू करेंगे तो एप्पल को यदि 100 माने हैं तो इससे 20% कम मैंगो का, इससे 20% लेस बोला गया और इससे 20%, इससे 25% लेस बोला गया है। तो हम लोग ऐसे शुरू करेंगे, पीछे शुरू करेंगे इसको, तो इसको 100 माने तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा तो इससे 20% लेस, 25% लेस, तो 20 कम तो ये 60 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया क्या? 20 से कैंसिल कर दीजिए सबको, 20 से ये 3 हो गया, 20 से ये 4 हो गया और 20 से ये 5 हो गया, तो 3:4:5 का रेशियो बना है। अब कंजम्पशन ऑफ पपाया इज टू कंजम्पशन ऑफ मैंगो इज टू कंजम्पशन ऑफ एप्पल, ये पता चल जाएगा कितना। देखिए यदि इसको हमें पपाया का कंजम्पशन कैलकुलेट करना है तो 4 × 5 = 20 हो गया, यदि हमें मैंगो का कैलकुलेट करना है तो 3 × 5 कर देंगे 15 हो गया, और यदि हमें यहाँ पे एप्पल का करना है तो इसको छोड़ के 4 × 3 = 12 हो गया। अब बोला कि देखिए पपीते की खपत की तुलना में आम की खपत कितने प्रतिशत कम या अधिक है, पपीते से तुलना करना है आम को, तो कितना है ये, अधिक है या कम है? तो हम लोग बोलेंगे पपीते की तुलना में कम है, तो कितना कम है? तो देखिए 5 कम है, तो हम लोग लेस परसेंटेज बताएंगे, लेस परसेंटेज यानी कमी का प्रतिशत कितना बताएंगे? 5 बाई किससे तुलना किया गया? पपीते से। पपीता कितना है? 20 यूनिट, तो 20 × 100 तो ये कितना हो जाएगा? देखिए तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 4, 1/4 कितना हो गया? 25%। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पपीते से आम की जो खपत है वो तो कितना परसेंट कम हो जाएगी? 25% कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ओके तो अभी हम लोग देखेंगे डाउट क्वेश्चंस ऑफ द डे। देखिए डाउट क्वेश्चंस ऑफ द डे में ये हमारे एक स्टूडेंट हैं कुणाल, उन्होंने ये भेजा है। बोला कि देखिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, इन अ फिक्स टाइम एक फिक्स समय में अ बॉय स्विम्स डबल द डिस्टेंस अलॉन्ग द करेंट दैट ही स्विम्स अगेंस्ट द करेंट, ठीक है। ये कुणाल ने हमारे एक स्टूडेंट है उन्होंने भेजा है। तो बोला गया है कि एक फिक्स समय में एक लड़का जो है डबल डिस्टेंस अलॉन्ग द करेंट दैट स्विम्स अगेंस्ट द करेंट, इफ द स्पीड ऑफ द करेंट इज 3 km/h देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉय इन स्टिल वाटर। इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए तो दो रिलेशन समझिए, स्पीड से डिस्टेंस का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्पीड से टाइम का रिलेशन कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यही तो होता है। तो यहाँ बोला गया है बॉय स्विम डबल द डिस्टेंस अलॉन्ग द करेंट, यानी देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड को हम डीएस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मतलब हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है, जिसको हम बोलते धारा के साथ, धारा के साथ गति, ठीक है, और या धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल बोलते हैं, और यूएस को बोलते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड कहने का मीनिंग क्या होता है? धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, ठीक है।
धारा के प्रतिकूल गति, तो ये दोनों चीजें हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि मैं इसको ऐसा लिखूं, तो यदि इसका मतलब जितना डबल डिस्टेंस जा रहा है डाउन स्ट्रीम अलॉन्ग द करेंट, कहने का मीनिंग क्या होगा कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है डबल और अप स्ट्रीम जा रहा है कम, तो हम ये बोले कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस और अप स्ट्रीम जो डिस्टेंस है उसका, वो जो रेशियो है वो 2:1 है। तो यही तो इसके डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का भी रेशियो होगा, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो ये भी रेशियो 2:1 ही होगा। अब देखिए स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट को हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट वाई। तो वाई के वैल्यू हम यदि निकालें तो वाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि ये होता है डी एस माइनस यू एस बाई टू, ठीक है। और एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी एस प्लस यू एस बाई टू। तो देखिए यहाँ से हम लोग वाई इक्वल टू लिखें तो 2 - 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। तो 0.5 यूनिट की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमें यूएस एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स की वैल्यू यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ये एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू कितना होगी, 2 + 1 = 3, 3/2 करेंगे तो कितना हो गया 1.5 यूनिट। तो 1.5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसका 3 times है तो इसका 3 times कर दीजिए, 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है देखिए, बोला गया है एट हिज यूजुअल रेट राहुल कैन ट्रेवल 12 माइल्स डाउन स्ट्रीम इन अ सर्टेन रिवर इन 6 hours लेस देन इट्स टाइम टेक्स हिम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। तो पहले देखिए बोला गया है कि डाउन स्ट्रीम इसको जाने में 12 माइल डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लगता है उससे 6 घंटे कम लगते हैं, अप स्ट्रीम जाने में जितना लगते हैं उससे 6 घंटे डाउन स्ट्रीम कम समय लगते हैं डाउन स्ट्रीम में। तो यदि हम ये बोलें कि 12 माइल वो जा रहा है अप स्ट्रीम स्पीड से, उसमें से माइनस करेंगे 12 माइल वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो यही तो लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना है, इक्वल टू 6 hours, इक्वल टू कितना है 6 बोला गया। बट ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई, और इसको लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब देखिए बोला गया बट इफ ही कुड डबल हिज यूजुअल रोइंग रेट फॉर हिज 24 mile राउंड ट्रिप द डाउन स्ट्रीम 12 mile वुड देन टेक ओनली 1 hour लेस देन द अप स्ट्रीम 12 miles। अब बोला गया है कि डाउन स्ट्रीम यानी अब ये x है वो 2x हो गया, तो 12 बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस यहाँ पे 12 बाई एक्स माइनस वाई सॉरी 2x प्लस वाई लिखेंगे, तो ये इक्वल टू कितना होगा 1 hour का गैप होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं 6 से इसको कैंसिल कर दूँ, 6 से कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ भी हो गया 2। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 times ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो हो जाएगा कितना 2 × 2 = 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये वैल्यू आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने से क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए 12 कॉमन ले लीजिए तो बचा कितना 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ये 2x 2x कैंसिल हो गया तो बचा कितना, देखिए 12 और इंटू 2 तो कितना हो गया 24y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे भी देखेंगे। अब देखिए यदि मैं पहले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 1 जो था अपना, देखिए इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन ये था 1 था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो मैं यहाँ पे इसको मैं लिखूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y। दूसरा इक्वेशन था अपना, दूसरा इक्वेशन हम लोग देख ले रहे हैं कि क्या था, 4x² - y², ठीक है, 4x² - y² इक्वल टू 24y। तो इसको मैं दूसरे स्लाइड में लिख रहा हूँ, तो ये लिखा हूँ मैं 4x² - y² इक्वल टू, ये हो गया आपका 24y।
ठीक है, तो ये 24y हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 24y, ओके, तो ये लिखा 24y। तो देखिए, यदि पहले इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, यदि मैं पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ चार से, तो ये पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 4y² इक्वल टू 4 4 16y हो जाएगा। ये इक्वेशन वन डॉट हम लोग लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर दें, इक्वेशन वन और टू माइनस कर दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 3y² इक्वल टू कितना हो गया, 3y² इक्वल टू 8y हो गया, कैंसिल हो गया, वाई वाई कैंसिल हो गया, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, 8/3, 8/3 कितना हो गया, तो 2 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपसे पूछा गया था कि करंट की स्पीड कितनी है, तो करंट का जो स्पीड है वो कितना है, 2 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। यदि इस वीडियो इस पीपीटी का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, और यदि आपके कोई डाउट हैं तो हमारे स्टूडेंट कुणाल की तरह आप भी class2plus@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, ओके।